नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और स्वागत करती हूं आपका समाचार एक्सप्रेस में। खबर है सीएम सिटी करनाल की। हमने कुछ दिन पहले डीएवी पीजी कॉलेज को लेकर एक खबर फ्लैश की थी, जिसमें हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से इस कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल की बजाय वहां पर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ब्लॉक चल रहा है। इस खबर ने आपको अचंभित जरूर करा होगा, क्योंकि कोई भी शिक्षण संस्थान अपने आप में एक बड़ा नियमों का पालक होता है, क्योंकि शिक्षण संस्थान में आने वाले छात्र छात्राओं का सबसे पहले नियमों के कायदे बताए जाते हैं, क्योंकि हम खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। आपको बता दें कि समाचार एक्सप्रेस की टीम बीती 29 जनवरी को इसी कॉलेज में एक स्टोरी को कवर करने के लिए गई थी। हमने इसी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ब्लॉक का भी दौरा किया था, जिसमें कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रामपाल सैनी ने समाचार एक्सप्रेस के सामने यह खुलासा किया था कि फिलहाल इस ब्लॉक का यूज किया जा रहा है, यहाँ कल्चर प्रोग्राम भी होते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि निकट भविष्य में इसे गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। यहाँ कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रामपाल सैनी अचानक घबरा से गए और हम पर भी अचानक बिगड़ गए। पहले आपको हम बीती 29 जनवरी का वह वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जब कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रामपाल सैनी ने समाचार एक्सप्रेस को यह खुलासा भी किया था कि आपको भी देखना होगा चाहिए कि कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रामपाल सैनी आखिर समाचार एक्सप्रेस को बयान क्या दे रहे हैं। इसे आप ध्यान से सुनिएगा और फिर आपको दिखाएंगे कि कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रामपाल सैनी की वह लिखी हुई चिट्ठी जो उन्होंने एक विभाग को इंस्पेक्शन कराए जाने को लेकर लिखी थी, यह चिट्ठी कब भेजी गई थी यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप सुन लीजिए कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रामपाल सैनी का बीती 29 जनवरी को दिया गया यह बयान। सैनी साहब, आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। ये कॉमर्स ब्लॉक के बारे में सबसे पहले आपसे पूछूंगा। जी जी जी। इसका मेन पर्पज क्या था बनाने का? नहीं, मेन पर्पज नहीं, ये तो ब्लॉक है, मतलब जैसे कक्षाओं के हैं, बस कहीं यहाँ बच्चों के लेक्चर, हाँ कोई भी कक्षा लग सकती है, कहीं कक्षा को हम कहीं भी लगा सकते हैं, आर्ट्स की भी लगा सकते हैं, कॉमर्स की भी लगा सकते हैं। तो यहाँ क्योंकि ये नया ब्लॉक था, खाली है हमारे पास, इसमें हमने कॉमर्स की कक्षाएं लगा रखी। कितने का क्लासेस रूम होंगे? 18-20 रूम होंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो सेमिनार हॉल जो सामने नजर आ रहा है मेरे को, ये इसका पर्पज क्या है? सेमिनार हॉल का पर्पज होना ही चाहिए, मतलब किसी भी कॉलेज में कोई भी कार्यक्रम करना है तो वो होना ही चाहिए। कार्यक्रम में सेमिनार तो हम अंदर यहाँ कार्यक्रम कर सकते हैं। ठीक है, ये है। तो 200 बच्चा बैठ सकते हैं? बैठ सकता है बिल्कुल। हाँ जी, एसी वगैरह भी लगे हैं, पंखे? हाँ सब कुछ है, सारा कुछ है। ठीक है, यहाँ भी प्रोजेक्टर वगैरह लगाए आपने? तो ये किससे संबंधित है, पढ़ाई से संबंधित है या ये एंजॉयमेंट से भी संबंधित? नहीं, पढ़ाई से भी संबंधित, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो करवाई जा सकती है। अच्छा, हर तरह की? हाँ, कोई भी, देखो अगर कॉलेज में कोई फैसिलिटी होती है तो उसको हम किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। अगर वो ये क्लासरूम के रूप में भी यूज किया जा सकता है, ये मेस के रूप में भी यूज किया जा सकता है, अगर इसको हमारे पास गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था भी है, अगर हम उसको हॉस्टल के रूप में अगर बच्चे हमारे एडमिशन लेते हैं तो हम मेस के रूप में इसको यूज कर सकते हैं, हम इसको बच्चों के कॉन्फ्रेंस रूम के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इसलिए जब तक कोई खाली चीज़ है उसको आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे जिमनेजियम है, हमने वहाँ बना रखा है, तो जिमनेजियम को हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे आपका कल का प्रोग्राम हो रहा है? हाँ, हमने कर लिया, बरसात थी, वो नशा मुक्ति से संबंधित कार्यक्रम था। अब नहीं, हमारे अपने यहीं करनाल से नवचेतना मंच के लोग थे, सामाजिक संस्थाएं थी, और डीएवी कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम तो बाहर था वो रखा हुआ, लेकिन बरसात आ गई। अब बरसात आ गई तो हमने फिर यहाँ जो हमारे पास खाली जगह है वहाँ हम उसको यूज कर लेते हैं। इसलिए ये कोई बाइफरकेट नहीं किया जा सकता किसी भी ब्लॉक को, हम कहीं भी हो सकता है, हम उधर वाली साइड में कहीं कॉमर्स ब्लॉक वहाँ कर लें, वहाँ था भी वहीं पे पहले हमारा ये, इसलिए ये कोई यहाँ कोई पक्का परमानेंट कॉमर्स ब्लॉक नहीं है। वैसे जो है हम इसको यूज कर रहे हैं, तो हम कल को इसको हॉस्टल के रूप में भी यूज कर सकते हैं, अगर हमारे पास बच्चे आते हैं। हमारे पास गर्ल्स हॉस्टल की भी सुविधा है, हमने एडवर्टाइजमेंट भी की थी, तो हम बेसिकली तो इसको गर्ल्स हॉस्टल के पर्पज से यूज करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एडमिशन उतने हो जाते हैं तो हम इसको हॉस्टल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। और मतलब तो खाली पड़ी है तो हमने यहाँ जो है इस रूप में यूज कर लिया उसको, बिल्डिंग को सरकार का, क्योंकि हम दुरुपयोग नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का, काम आनी चाहिए। बिल्डिंग जो बन जाती है, बिल्डिंग बनने के बाद आप उसको बच्चों की भविष्य उसकी भलाई के लिए, बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं, हम दुकानें नहीं चला सकते इसमें, लेकिन अगर बच्चे हैं तो हम इसको खाली जगह पड़ी है तो नहीं उस तरीके से यूज करी, दूसरे तरीके से यूज करी। जब
आने वाले समय में मैं इसको गर्ल हॉस्टल के रूप में ही हम बनाना चाहते हैं, और आने वाले समय में अगर बच्चों का एडमिशन होंगे तो हमारा ये गर्ल्स हॉस्टल के रूप में हम इसको रखेंगे। सर जी, अभी अपने कॉलेज में कितने बच्चे हैं? हमारे पास जी 1900 के करीब विद्यार्थी हैं। ठीक है, बाहर से भी हैं कुछ? बाहर से कैसे मतलब? आउट ऑफ करनाल? आउट ऑफ करनाल भी हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, करनाल के नियर अबाउट 20-30 किलोमीटर से तो आते ही हैं, कैथल तक से बच्चे आते हैं। पीजी वगैरह में रहते होंगे? हाँ, नहीं ऐसा है, बच्चे अप डाउन ही करते हैं। बच्चे जो हैं अपने पास बनवा लेते हैं क्योंकि पास की सुविधा है, लेकिन पिछले साल कुछ एक विद्यार्थी ऐसे भी थे, लड़कियों का खासकर, लड़कियों की कोई समस्या नहीं है, लड़कियों को अप डाउन में दिक्कत आती है, बाहर से यूपी से भी बच्चे आते हैं और भी आते हैं विद्यार्थी, और हम ये चाहते हैं कि हम एक बहुत अच्छा हॉस्टल सस्ते उस पर बिल्कुल बच्चों लड़कियों के लिए वो प्रोवाइड करवाएं, जिसमें खाने पीने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था हो सारा कुछ, यही ये हमने बिल्डिंग असल में वास्तव में इसी पर्पज के लिए तैयार कर रखी है, और हम इसको आने वाले टाइम में यूज भी करेंगे। अगर हमारे गर्ल्स बच्चे एडमिशन लेते हैं ऐसे हॉस्टल में रहने वाले बच्चे, तो हम उनको बहुत मिनिमम उस पर जो है प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन छोटे नहीं है, बहुत बड़े हैं, यानी कि हाल की तरह हैं, ये देख लीजिए, यानी कि कॉमर्स ब्लॉक में इतने बड़े बड़े कमरे बनाए गए हैं छात्रों के लेक्चर के लिए। आपने सुन लिया कि कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रामपाल सैनी क्या बोल रहे हैं। आपने ध्यान से सुन लिया होगा कि उन्होंने साफ साफ कहा कि आने वाले दिनों में यहाँ गर्ल्स हॉस्टल बनाया जा सकता है, लेकिन रामपाल सैनी का सफेद झूठ पकड़ा गया, क्योंकि इसी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रामपाल सैनी ने खुद बीती 8 जुलाई 2019 को पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ को इंस्पेक्शन के लिए पत्र लिखा था। यह पत्र समाचार एक्सप्रेस के पास मौजूद है, आप भी अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देख लीजिए। यानी गर्ल्स हॉस्टल के इंस्पेक्शन के लिए एसडीओ को पत्र लिखा गया था। अब यदि 11 जुलाई 2019 को डीएवीपीजी कॉलेज में बने गर्ल्स हॉस्टल की इंस्पेक्शन भी हुई और कॉलेज को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल गया होगा, तब बीती 29 जनवरी 2020 को डीएवीपीजी कॉलेज के प्रिंसिपल ने हमें यह क्यों बताया कि हम इसे भविष्य में गर्ल्स हॉस्टल के रूप में इस्तेमाल करेंगे? सच्चाई क्यों नहीं बताई? क्यों बोला गया सफेद झूठ? हमने आपको पिछली खबर में दिखाया था कि किस तरह से यूजीसी से लाखों रुपए की ग्रांट गर्ल हॉस्टल के निर्माण को लेकर ली गई। गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण भी हो गया, इंस्पेक्शन करने वाली टीम भी कॉलेज में पहुंची, इंस्पेक्शन टीम को गर्ल्स हॉस्टल दिखाया गया। डीएवीपीजी कॉलेज करनाल के इस गर्ल्स हॉस्टल में इंस्पेक्शन टीम को हॉस्टल से संबंधित सारा सामान तक दिखाया गया। इसके लिए बकायदा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ कॉलेजेस ने बकायदा इस गर्ल्स हॉस्टल की वीडियोग्राफी तक कराई। हमने आपको पिछली खबर में डीन ऑफ कॉलेजेस रजनीश शर्मा का बकायदा इंटरव्यू भी दिखाया था, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि उस समय इंस्पेक्शन के दौरान बकायदा गर्ल्स हॉस्टल मौजूद था। एक बार आप फिर देख लीजिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की डीन ऑफ कॉलेजेस रजनीश शर्मा का वह इंटरव्यू जो उन्होंने समाचार एक्सप्रेस को दिया था। नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। आज हम हैं इस समय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मौजूद, और हमारे साथ हैं डीन ऑफ कॉलेजेस डॉक्टर आर के शर्मा जी। आज हम अपने कुछ सवालों का जवाब लेने डॉक्टर आर के शर्मा जी के पास आए हैं। शर्मा जी स्वागत है, सबसे पहले आपका समाचार एक्सप्रेस पर। हाँ जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका भी। डॉक्टर साहब, जब आप डीएवी कॉलेज में इंस्पेक्शन के लिए गए होंगे, जो यूजीसी द्वारा जो ग्रांट मिली गर्ल हॉस्टल की, तो उसमें आपने बकायदा वीडियोग्राफी भी करवाई होगी, तो क्या था उसमें? हमने वहाँ पूरी तरह से, मैंने उनको कहा था कि मुझे पूरी वीडियोग्राफी करवानी है और हर चीज़ जो है प्रॉपर होनी चाहिए, अगर वो प्रॉपर नहीं होगी तो हम उस पर कभी भी साइन नहीं करेंगे जी। तो जब हम वहाँ गए तो प्रॉपर वीडियोग्राफी, वीडियोग्राफर भी था, फोटोग्राफी कैमरा वाले भी थे, शायद प्रेस के भी थे एक दो आदमी, तो उन्होंने पूरा राउंड लगवाया। वहाँ कमरों में भी हम विजिट किया, कमरों में चार चार, एक में दो दो बेड लगे थे, कुछ में चार चार बेड लगे हुए थे, और मेस में बड़ा टेबल लगा था, चेयर्स लगी हुई थी, और वहाँ मेस में बैठ के ही उन्होंने हमें चाय पानी वगैरह हमने वहाँ पिया। जैसे आपने डीएवी कॉलेज करनाल का जिक्र किया कि आप गए थे, क्या आपने दोबारा जाके चेक किया कि वो बिल्डिंग वाकई में जो आपने बताया हॉस्टल के लिए, गर्ल्स हॉस्टल के लिए इस्तेमाल ही है, या उसका कोई और यूटिलाइजेशन हो रहा है? नहीं, मैं तो देखो दोबारा नहीं गया, ना ही कोई मुझे उसकी कोई जरूरत पड़ी, क्यों कि ना कहीं से कोई कंप्लेंट थी, ना कोई ऐसी कोई बात थी। आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ कॉलेजेस रजनीश शर्मा को सुन लिया कि वो क्या कह रहे थे।
कमाल की बात तो ये है कि यूजीसी से लाखों रुपए की ग्रांट गर्ल्स हॉस्टल निर्माण के लिए ली जाती है, लेकिन कॉलेज में स्थापित हो जाता है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ब्लॉक। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी क्या कोई एक्शन लेगा या डीएवीपीसी कॉलेज से कोई सवाल कर सकता है? जी हाँ, खबर यह है कि डीन ऑफ कॉलेजेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अब करनाल के डीएवीपीसी कॉलेज को पत्र लिखकर पूछेगा कि आखिर गर्ल्स हॉस्टल कहां गया। समाचार एक्सप्रेस के एमडी अनिल लांबा ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ कॉलेजेस रजनीश शर्मा से बकायदा फोन पर बात ही नहीं की, बल्कि उनसे पूछा, तीखे सवाल भी पूछे। आखिर क्या थे वो तीखे सवाल और क्या कहा उन्होंने, उन तीखे सवालों का जवाब यह आप खुद ही सुन लीजिए। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं अनिल लांबा बोल रहा जी। हाँ जी लांबा साहब, बताइए क्या रहा उसका, डीएवी स्कूल का, फिर कॉलेज का? सॉरी, उन्होंने तरह से चिट्ठी आई थी कि हमारे पास बच्चे नहीं है और हम इसको ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, बस फॉर इन्फॉर्मेशन। एक रजनी जी, एक सवाल पूछ लो कि उनकी चिट्ठी आई है कि हमारे पास बच्चे नहीं है, जब 2019 में आपसे इंस्पेक्शन करवाई थी तब बच्चे थे वहाँ? हाँ, तो इंस्पेक्शन क्यों करवाई थी? इसका मतलब आप लोगों के अंकों में धूल तो झोंक ही दी ना इन्होंने, ये तो मान उसका जवाब बोल दे सकते हैं। देखो, जो उन्होंने बिल्डिंग बनाई थी उन्होंने उसका यूटिलाइजेशन तो पुराना था ना, जो ग्रांट आई थी। नहीं नहीं, बिल्डिंग बनाई थी, अगर बच्चे नहीं थे, बच्चे नहीं आ रहे थे, फिर यूजीसी से वो लेने की जरूरत ही नहीं थी पैसा। देखो ऐसा है कि उन्होंने आदमी प्लान करता है किसी चीज के लिए, वो सक्सेसफुल भी होता है, फेलियर भी हो जाता है। अब शर्मा जी, 2019 में जब आपने इंस्पेक्शन की तब भी बच्चे नहीं थे, अभी 7-8 महीने अभी 7-8 महीने बीत गए, अब तक इन पे बच्चे नहीं आए। उससे पहले ये बना होगा, 2012-13 की एक ग्रांट है। आप ये भी तो देखो ना, 2 साल में बिल्डिंग अगर बन गई हो, 2015 में भी स्टार्ट किया हो सेशन, या सेशन क्यों नहीं स्टार्ट किया गया? इतना टाइम वही दे, ओ मेरे भाई साहब, ये भी जवाब कॉलेज दे सकता, मैं थोड़ी दे सकता हूँ, क्यों इतने नाराज हो रहे हैं? नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा, मैं ये कह रहा हूँ शर्मा जी, आप इनसे, उन्होंने आपको जैसे आपने कहा ना चिट्ठी लिख दी, आप भी तो इनको चिट्ठी लिख सकते हो। हम चिट्ठी क्या लिखे बताओ इसको, जो वो कह रहा है मेरे पास बच्चे लड़कियां एडमिशन नहीं हुई है, तो मैं कह रहा लड़की की एडमिशन कर, यही कहेंगे कि आने वाले सेशन में आप कोशिश करो कि बच्चों की एडमिशन और हॉस्टल चले, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकते। शर्मा जी, वही तो बात मैं कर रहा हूँ कि जब यूजीसी से ग्रांट आई थी 12-13 या 14 में, अगर 2 साल में कॉलेज बन, वो बिल्डिंग बन के तैयार भी हुई है, 2 साल का पीरियड भी हम छोड़ दें, तो 3-4 साल तो बीत गए, क्या किसी सेशन में बच्चे नहीं है? वो मेरे से पहले देखो कितने डीन हो चुके हैं, मैंने तो क्या, मैं तो अभी 19 में आया। सर, जब से आप आए हैं तो जिम्मेदारी तो बनी गई आपकी भी, क्योंकि आपने इंस्पेक्शन की थी, इंस्पेक्शन तो आप ही ने की थी, किसी और डीन ने तो की नहीं। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे को क्यों पूछ रहे हो, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, ये प्रिंसिपल के प्रेरोगेटिव है, मेरा नहीं है। मैंने आपको बता दिया, मतलब जो यूजीसी ने इंस्पेक्शन कराई, तो मैं ये मान के चलूं कि आप भी मिली भगत में थे, अगर आप ये जवाब मेरे को दे रहे हैं। अनाव शनाव ना रूप लगाया करो, हमारी मिली भगत बिल्डिंग में बनाई, उन्होंने 12 में ग्रांट मिली, 13-12 में उन्होंने बना दी, 19 में मैं इंस्पेक्शन पे गया हूँ, मेरी मिली भगत तो यार दो ही यार। नहीं, 6-7 साल क्या, एक सेकेंड शर्मा जी, क्या 6-7 साल बच्चे आए नहीं, क्या कोई एफर्ट नहीं हुआ? आप ये भी तो देखे ना भाई, आखिर हुआ क्या? सॉरी यार, मेरी सॉरी, इसमें मूड खराब की बात नहीं है, इसमें सीधी सीधी बात है, सरकार सरकार बताओ मैंने कुछ किया, सरकार से मिली, एक मिनट शर्मा जी, वीडियोग्राफी करवाई शर्मा जी, सरकार से मिली ग्रांट का दुरुपयोग तो हो ही गया ना। चलो, आपने आप जो जैसा बोल रहे हैं, मैं क्या कहूँगा, आपको कुछ नहीं कह सकता भाई साहब, आप इसको ना अदरवाइज घुमा रहे हैं कि नहीं तू भी है, बाई चांस डीजीएचसी भी है, सरकार भी है, सब ऐसा नहीं हुआ करता, इस आदमी ने साइन करके पैसे लिए हैं, जिसने काम किया वही जिम्मेदार होता है। मतलब आपने इंस्पेक्शन की, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, इंस्पेक्शन कर दी छुट्टी, इंस्पेक्शन की, बिल्डिंग वहाँ है नहीं है, ये बताओ बिल्डिंग है ना वहाँ पे, बच्चे का है वो बेड, जो आपने देखे थे वो बेड पे बच्चे का है,
नहीं तो फिर बेड बेड आपने देखे थे, मैंने थोड़ा देखे थे शर्मा जी। हाँ तो बेड देखे तो थे बेड, तो मैं कोई मुकर रहा हूँ क्या? तो वो बेड क्यों लगाए थे उन्होंने जब बच्चे थे ही नहीं? ये सवाल ये शर्मा जी ये सवाल तो आप भी उससे कॉलेज से पूछ सकते हो कि भाई तुमने मेरे को बेड दिखाए थे, क्यों दिखाए थे बेड मुझे? चलो कल पूछ लेते हैं उनसे, पूछ लेते हैं कल। ठीक है जी। आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ कॉलेजेस रजनीश शर्मा का जवाब तो सुन लिया होगा, जिसमें वह बातचीत के दौरान यह स्वीकार कर रहे हैं कि वह कॉलेज को बकायदा पत्र जारी करेंगे। अब सवाल यह भी है कि क्या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ कॉलेजेस रजनीश शर्मा उस पत्र की कॉपी यूजीसी को भी भेजेंगे, क्योंकि यूजीसी को भी सूचित करना जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल निर्माण के लिए करीब 50 लाख की ग्रांट मांगी गई हो और इंस्पेक्शन के बाद अचानक गर्ल्स हॉस्टल का गायब कर दिया गया हो, ऐसे में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ कॉलेजेस की नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है कि वह कॉलेज से जवाब मांगने के साथ साथ यूजीसी को भी सूचित करे, क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ कॉलेजेस खुद इंस्पेक्शन के दौरान वहां मौजूद थे। हम इसी डीएवीपीसी कॉलेज के एक ऐसे ही निर्माण का आज खुलासा कर रहे हैं जिसमें कायदे और नियमों की भारी अवहेलना की गई है। आपको बताते चले कि कुछ साल पहले केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत यूजीसी संस्था ने इसी कॉलेज में छात्राओं के रहने के लिए बनने वाले गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण के लिए करीब करीब 50 लाख से भी अधिक की राशि हॉस्टल निर्माण के लिए मंजूर की गई थी। उस समय इस कॉलेज में वाईपी शर्मा बतौर प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थे। जब यूजीसी ने पैसे को मंजूरी दे दी तो कॉलेज ने गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण भी शुरू कर दिया, जिस गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण के लिए राशि मंजूर की गई थी, लेकिन वहां कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ब्लॉक चल रहा है। तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए, यह कॉलेज के उसी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ब्लॉक का दृश्य है जहां उस ब्लॉक की नहीं बल्कि छात्राओं के गर्ल्स हॉस्टल होना चाहिए था। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि यूजीसी को धोखे में क्यों रखा गया? सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ कॉलेजेस डॉक्टर रजनीश शर्मा को इंस्पेक्शन के दौरान गर्ल्स हॉस्टल किस लिए दिखाया गया? सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि कुछ महीने पहले कॉलेज में आई टीम को जो गर्ल्स हॉस्टल दिखाया गया था, वह अब कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ब्लॉक में तब्दील क्यों हो गया? हम इस बात का पता लगाने में भी जुटे हैं कि क्या डीएवीपीसी कॉलेज करनाल ने जिस इमारत का निर्माण करवाया है, क्या उसका नक्शा नगर परिषद या नगर निगम से पास करवाया गया था? हम इसका भी जल्द खुलासा करेंगे। तो बने रहिएगा लगातार समाचार एक्सप्रेस पर हमारे साथ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए समाचार एक्सप्रेस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर करें। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।